हेलो क्लास ट्वेल्थ। Now class 12, today in this video we are going to see के how the di, para and ferro magnetic or we can say the magnetism is caused on the basis of the atomic model. Atomic model के बेस पे हम लोग explain करेंगे किसको di magnetism को, para magnetism को और ferro magnetism को। In the previous video हमने जो इससे पुराने वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सीखा कि उसमें we have learned about the properties, सारी की सारी हम लोगों ने properties सीखी कि हम लोगों ने देखा कि जो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो फेबली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट सिमिलरली अबाउट द पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म आर फैबली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वाइल द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे एटम्स हैं और वी कैन से दीज आर सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जिसमें जो एटम्स हैं दे आर हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें वो क्या होंगे, दे आर हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे आर स्पिन कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट्स में स्पिन कर रहे हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ देयर स्पिनिंग इज अपोजिट टू ईच अदर। मीन्स के एक अगर सपोज एक एटम ही कंसिडर कर लेते हैं, सपोज टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एक की डायरेक्शन अगर ये है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज इन दिस वे। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है तो अदर वन इज स्पिन लाइक दिस। सो दैट मीन्स द डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या होगा, वट डिड दे डू, दे विल कैंसिल द मैग्नेटिज्म और द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच अदर। मीन्स कि एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, एक नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स द डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है जो क्रिएट कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो मैग्नेटिक मूवमेंट को क्रिएट कर रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो इट मीन्स के जब एक्सटर्नल फील्ड होगी तो नेट मैग्नेटिज्म क्या होगा, वहां पर जीरो होगा। ओके, नेट मैग्नेटिज्म क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने से क्या होगा, जो मैग्नेटिज्म है और वी कैन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर स्पिनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दे गेट स्लो डाउन। वो क्या हो जाएंगे, दे गेट स्लो डाउन, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे कीप्स ऑन एक्सीलरेटिंग। वो एक्सीलरेट करते रहेंगे, ओके, दे कीप्स ऑन एक्सीलरेटिंग एंड इस वजह से क्या होगा, एक फेबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए। ओके, हैव यू गेट इट। सो इट मीन्स के यहाँ पे क्या होगा, ये जो डायमैग्नेटिज्म है ये उन सब्सटेंसेस में होती है जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इवन नंबर में हो। मीन्स के 2, 8, 16 ऐसे करके इवन नंबर्स में होंगे। एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी, तो वो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करेंगे। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करेंगे। जब हम इन्हीं सब्सटेंसेस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इन दैट केस व्हाट हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं दे गेट स्लो डाउन, वो धीरे हो जाएंगे स्लो डाउन और दे गेट स्टॉप्ड। ओके, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे गेट एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट करेंगे धीरे धीरे करके, एक्सेलरेट करेंगे मीन्स की स्पीड धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगी। सो इन दैट केस अ फेबल मैग्नेटिज्म इज डेवलप्ड इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, आई थिंक दिस क्लियर नाउ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंसेस हैं जहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होंगे, दे आर इन द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मींस के एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होगा, मींस के 7, 5 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अगर इफ यू से कि 5 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इंडिविजुअली क्या करेगा, मूव करेगा, इंडिविजुअली मूव करता रहेगा, इंडिविजुअली मूव कर रहा है मींस को, और ऐसे ऐसे करके इस किसी सब्सटेंस में सिर्फ एक ही एटम नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। मींस के दे आर इन द पावर्स ऑफ 100, मींस के कई सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे आर कीप्स ऑन मूविंग, मूव कर रहे हैं. लेकिन ये जो एटम है, जो ये आपका जो एटम, वी कैन से एटम, अगर फाइव इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, दो और दो अपोज चार जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो भी स्पिन कर रहा है, इंडिविजुअली स्पिन कर रहा है. सो जो ये एटम है इंडिविजुअली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो स्पिनिंग की डायरेक्शन है, वो और एटम से क्या होगी, अपोजिट होगी. इसलिए एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंट में यहां पर भी जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. जब हम इसको रखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, जो ये बार मैग्नेट्स हैं, जो स्मॉल एटॉमिक बार मैग्नेट्स आपके पास हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो जाएगी, डायरेक्शन विल बिकम सेम. लेकिन बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन क्या होगा, ये एक दूसरे की मूवमेंट को डिस्टर्ब करेंगे. सो एक दूसरे की मूवमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, तो डिस्टर्ब करने से क्या होगा, द फेबल मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड. ओके, वहां पर एक मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, फेबली दे गेट मैग्नेट, फेबली मैग्नेटाइज हो जाएंगे. ओके, सो क्या हो रहा है यहां पर, एटम्स हैं, वी कैन से कि यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट एटम्स में ऑड नंबर्स में है. सो कुछ की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, वो क्या करेगा, इंडिविजुअली मूव करेगा, स्पिन करेगा, मूव करता रहेगा, और जो एटम है वो इंडिविजुअल एक एटॉमिक बार मैग्नेट बन जाएगा. एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा, जब कोई फील्ड हमने कोई फील्ड नहीं रखी है पहले, जब फील्ड नहीं है, तो जो ये स्मॉल बार एटॉमिक बार मैग्नेट्स हैं, ये एक दूसरे की मूवमेंट को कैंसिल करेंगे. उसके बाद जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे, तो ये सारे के सारे एटम्स अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, एक फेबल, एक मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगी. मैग्नेटिज्म फेबल इसलिए होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन ये एक दूसरे की मूवमेंट को डिस्टर्ब करेंगे. ओके, एक दूसरे की मूवमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा वहां पर, देख जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो फेबली मैग्नेटाइज हो जाएंगे. उसके बाद बात करते हैं किसकी, फेरोमैग्नेटिज्म की. फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, यहां पे तो क्या था, एटम्स थे, सिंगल एटम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक डोमेन्स क्रिएट हो जाएंगे, मीन्स के उन एटम्स की एक डोमेन क्रिएट हो जाएगी. ओके, सपोज आयरन है, आयरन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग, वो क्या करेंगे, अपना अपना एरिया बना लेंगे. सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 की पावर्स में है, सपोज 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऊपर, अगेन 10 की पावर से 5 मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नीचे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऐसे करके. सो व्हाट हैपन, यहां पर क्या हो रहा है, डोमेन्स क्रिएट हो रही है, सेम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स की एक डोमेन्स एरिया क्रिएट हो गया. एरिस एरिया को क्या बोलते हैं, आप डोमेन्स बोलते हैं. ओके, सेम डायरेक्शन दे आर क्रिएटेड अ डोमेन्स. लेकिन एक्सटर्नल फील्ड जब होती है, तो जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, उस कंडीशन में इन डोमेन्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से. अपोजिट होने से क्या होगा, वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, कोई इंडिविजुअल डोमेन जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रही है, उसको कैंसिल करते हैं. लेकिन जैसे ही हम लोग इसको रखते हैं कहां पर, एक्सटर्नल फील्ड में, जब आप एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखते हो, इन दैट केस ये जो डोमेन्स है, अगर मैग्नेटिज्म जो फील्ड जो है वो वीक है, तो ये डोमेन्स क्या करती है, अपना एरिया इनलार्ज करती है, अपना एरिया बढ़ा लेगी और एक मैग्नेटिज्म वहां पे क्रिएट कर हो जाएगा. लेकिन अगर फील्ड स्ट्रांग है, तो इन सब की जो डायरेक्शन है, इट्स बिकम सेम. डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी सेम डायरेक्शन हो जाएगी, एंड दस और वी कैन से सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे सब स्पिन करने लगेंगे, सबसे सब मूव करने लगेंगे, और इसलिए एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वहां पर क्रिएट हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द डाय पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी रिलेटिविटी.
ओके वी आर गोइंग टू सी अबाउट द रिलेटिविटी की रिलेटिविटी क्या है ओके इसको लर्न करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन थैंक यू वेरी मच.